हेलो एवरीवन, मैं राधा टेलर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँ जैक शूइंग मशीन कैसा आता है, कैसा दिखता है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें आती है, शूइंग मशीन को किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस तरह से इसको कंट्रोल करते हैं। इस वीडियो में आपको लाइव एग्जांपल की सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारी जो जैक की शूइंग मशीन है वो आ चुकी है और पूरी तरह से रेडी है और हम इसको सेट करेंगे। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, ये जो मशीन का पूरा जो सेट है वो इसमें है और ये पाटिया पूरा सेट कर लिया है मैंने। पाटिया सेट होके आया है, तो पाटिया को इसको पूरा सेट है बट मशीन हम इसको सेट करेंगे। सो आप इसे देख सकते हैं, मशीन पूरा पैक है इसमें। तो इसको ओपन करते हैं और मैं आपको पूरी चीज़ डिटेल में बताऊंगा इसके साथ क्या क्या चीज़ें आया है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारी जो जैक मशीन है इसको ओपन करते हैं और इसको देखते हैं इसके साथ क्या क्या चीज़ें आया है। सो दोस्तों, इसको ओपन कर लेते हैं। सो दोस्तों, ये बॉक्स है और अंदर एक और बॉक्स है, क्योंकि ये बहुत सेफ्टी के साथ पैक किया जाता है इसको, तो अंदर का भी फटाफट से ओपन कर लेते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पहले स्टार्टिंग से ही मैनुअल गाइड मिलता है इसमें। इसमें आप देख सकते हो इसको किस तरह से गाइड किया गया है, पूरा मशीन को सेट करने का तरीका बताया गया है इसमें। तो ये मैनुअल गाइड है, इसको हम रखते हैं साइड में और अब हम इसमें से एक एक चीज़ें निकालते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये फुट पैड है, घुटने पर लगा हुआ रहता है, फुट को उठाने के लिए होता है ये। तो इसको हम रखते हैं साइड में और ये एक्सीलेटर का है, तो इसको भी हम रखते हैं। और ये इसमें से तीन पेचियाँ निकलता है, तो ये तीन पेचियाँ काम में आता है। और धागे का जो स्टैंड होता है वो इसमें है। सो दोस्तों, हमारे पास ये धागे का स्टैंड है ये इसका। सो दोस्तों, ये ऑयल का पूरा टैंक का सेट है, इसमें से पूरा ये टैंक में सेट करना है इसको, तो ये ऑयल का टैंक सेट है। सो दोस्तों, हमारा जो ये मशीन है ये एक्सीलेटर है और इसका जो एक्सीलेटर है मशीन को कंट्रोल करने के लिए आता है, तो ये एक्सीलेटर है, इसको भी हम रखते हैं साइड में। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, ये हमारा ऑयल टैंक है और जैसे कि ये जो आप इसे देख सकते हैं हाई और लो लेवल है। इसके अलावा इसके साथ आता है एक ऑयल का पाउच। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, ये ऑयल का पाउच है और ये जैक की तरफ से आता है 400 ml। सो दोस्तों, हमारे जो जैक का मशीन है इसके अंदर है, क्योंकि ये पूरा पैक करके दिया जाता है ताकि उसमें कुछ टूटे फूटे ना, इसके लिए बहुत सेफ्टी से इसको पैक किया जाता है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। सो दोस्तों, हमारे जो जैक का F4 मशीन है ये पूरा है इसमें, तो इसको हम इसमें से निकाल लेते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है, इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको हम निकाल के रखते हैं। सो दोस्तों, हमारी जो जैक की F4 स्विंग मशीन है इसको हमने निकाली, ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है और इसमें से निकालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हैवी है ये। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, इसमें अभी कुछ नहीं है और ये पूरा जैक का F4 मशीन का पूरा सेट है ये, और इसमें पूरा सामान है जो कि हम इसमें सेट करेंगे। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, ये पूरा इसका सेटें है, इसको मैं पूरा अच्छे से सेट करूँगा। और इस मशीन का जो वेट है वो कितना है वो भी मैं आपको बता दूँ। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, इस मशीन का जो वेट है 32 kg है इसका जो मशीन है ये 32 kg का है। और उसके अलावा इसका जो टोटल वेट है 38.7 kg, 38 kg 700 g इसका टोटल वेट है, और जिसमें से 32 kg तो सिर्फ इसी का ही वेट है। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, इस मशीन का वजन बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ज़्यादा भारी है। सो दोस्तों, हमारे जो जैक का शूइंग मशीन है ये, इसमें पूरा तरह से मैं सेट कर लेता हूँ। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इसका जो मशीन का जो पूरा सेट है वो अलग आता है और पाटिया का जो सेट है वो अलग आता है, ये दो कार्टून में पैक करके आया जाता है। सो दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, ये जो हमारा जैक का मशीन है इसको हम पूरी तरह से रेडी कर लेते हैं।
सो दोस्तों हमारा जो जैक का मशीन है उसका जो पूरा स्टैंड पार्टिया है वो पूरा तरह से सेट हो चुका है। आप इसे देख सकते हैं, नीचे का जो स्टैंड है, एक्स रेगुलेटर है, फुट पैड है, और ये पूरा पार्टिया है, ये इसमें ऑयल डालने का वो भी मैंने डाल दिया और ये पूरा हमने अच्छे से सेट कर लिया है। और इसका आप इसे देख सकते हैं, ये धागा रखने का जो स्टैंड है ये भी परफेक्ट तरीके से हमने इसको सेट कर लिया है। और हम मशीन रखेंगे और है ये हमने पूरा सेट कर लिया और आप इसे देख सकते हैं। और अब हम इसको चालू करेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसकी सारी चीज़ें। सो दोस्तों जैक मशीन का जो प्लग है और इसको हम इसमें सेट कर लेते हैं। सो दोस्तों हमारा जो प्लग है उसको हम चालू कर लेते हैं और इसको मैं आपको ऑन करके बताता हूँ। और ऑन करने से पहले इसके सारे प्लग वगैरह है जो भी मैं लगा लेता हूँ पहले। सो दोस्तों हमारी जो जैक की मशीन है इसको हमने प्लग कर लिया है और अब हम इसको चालू करते हैं। सो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका जो ऑन ऑफ का बटन है ये एक और बटन है प्लग के साथ। तो जो बटन रहता है नॉर्मली जो आप प्लग लगाते हो और बटन चालू करते हो तो ठीक है, पर इसके अंदर एक और बटन रहता है, इसको भी हम चालू कर लेते हैं। और आप इसे देख सकते हैं हमारी जो जैक की मशीन है वो चालू हो चुकी है और इसको हम धागे वगैरह लगा देते हैं। सो दोस्तों हमें इसको धागा लगाना पड़ेगा। सो दोस्तों हमारे पास है एमेटो का धागा, तो हम इस धागे को निकाल लेते हैं और ये जो धागा है वो ऊपर लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो धागे का ऑप्शन दिया जाता है वो नहीं है, तो धागे को ऊपर लगाना पड़ेगा हमें। और हमें एक और मोटा सा धागा लगाएंगे। सो दोस्तों हमारे पास ये मोटा सा कॉर्न है, हम इसको भी लगा लेते हैं और हम जो है धागे को लगा के देखते हैं। सो दोस्तों हमारी जो जैक की मशीन है उसको हमने चालू कर लिया और आप इसे देख सकते हैं ये चालू हो गया है और अब हम इसमें कपड़े स्टिचिंग करेंगे। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये जो जैक का स्टिकर वगैरह है इसको हम निकाल लेते हैं। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये जो जैक का ये जो सब है ये हम निकाल के हटा देते हैं और अब हम इसको जो है स्टिचिंग करेंगे। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये जो धागा वगैरह है इसमें। सो दोस्तों इसमें सारी चीज़ें मैं आपको लगा के बताऊंगा, इसमें धागा कैसे भरते हैं, धागा कैसे लगाते हैं, स्टिच कितने नंबर तक की आती है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं 5 तक नंबर तक की स्टिचिंग है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों हमारी जो जैक की मशीन का मोटर है इसका 550 वोल्ट का इसका मोटर और 5000 RPM की इसकी स्पीड है और इसकी जो वोल्ट है 220 वोल्ट का इसका ये चलता है। ये जो मशीन है 220 वोल्ट पे चलता है और इसका जो मोटर है 5000 एम्पियर का इसका मोटर का पावर है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं और बाकी का ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है ये पूरा लिखा हुआ है इस पर। और इसकी बात करें तो इसमें दो वायर है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये लाइटिंग का है और ये एक्सीलेटर का और ये मेन वायर है। और आप इसे देख सकते हैं इसका जो लाइटिंग है वो ये वायर यहाँ से गया है और ये इस तरह से यहाँ पे इसका ये लगा हुआ है लाइटिंग। ऑलमोस्ट सब जगह पे मशीन का चैचिस नंबर आगे होता है पर इसका एकदम पीछे की साइड पे रखा हुआ है मशीन का इन चाइना और चैचिस नंबर है और इसका ये मॉडल नंबर है F4Q। एक्चुअली ये क्यू लिखा हुआ है पर इसका मॉडल नंबर है F4 और आप इसे देख सकते हैं और इसका जो ये पूरा फंक्शन है इसका ऑन ऑफ का बटन है। सो दोस्तों हमारी जो जैक मशीन है इसको इसकी सर्विस कितनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो सर्विस है एक साल में इसकी दो सर्विस फ्री है और इसका जो मोटर का वारंटी है वो 3 साल का है। 3 साल में अगर इसका मोटर आपका ख़राब हो जाता है तो आपने जहाँ से मशीन लिया वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देगा। सो दोस्तों जैक मशीन के साथ क्या क्या चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूँ। सो दोस्तों सबसे पहले इसको मैं आपको बता दूँ, इसके साथ 3 तरह के पेचे आते हैं। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये 3 तरह के पेचे कुछ इस तरह से होते हैं और ये 3 तरह के पेचे आते हैं और उसके साथ 2 बॉबिन वाइंडर आता है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये फिरकी बोलते हैं इसको, ये 2 तरह की फिरकी आती है, एक ये है और एक इसके शटर में लगा हुआ है तो इसको भी निकाल लेते हैं हम। सो दोस्तों ये रहा इसका बॉबिन वाइंडर और ये 2 बॉबिन वाइंडर है आता है और इसके साथ एक ये केस इसके में लगा हुआ आता है और उसके अलावा इसकी सुई की पैकेट आती है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं 14 नंबर की इसकी सुई की पैकेट आती है, सुई को रखने के लिए आता है। सो दोस्तों ये जो है वो सुई को रखने के लिए यहाँ पे आता है तो आप इसे यहाँ पे लगा सकते हैं और सुई वगैरह रख सकते हैं। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं और उसके अलावा इसके साथ और क्या क्या चीज़ें आती है। सो दोस्तों इसके साथ एक ड्रॉअर आता है। सो दोस्तों ये पेचा वगैरह आप इसमें आराम से रख सकते हैं, इसके लिए पेचा।
ये सारी चीज़ें आप इसमें आराम से रख सकते हैं, इसके लिए ये चीज़ आता है। इसके साथ और आता है ये धागे का स्टैंड जिसमें जैक लिखा हुआ है, तो ये जैक का धागे का स्टैंड है। इसके ऊपर धागे का कोई भी रखने का ये चीज़ नहीं आता, यहाँ पे धागे का रखने वाला आता था पर यहाँ पे इसमें नहीं आता है। इसमें अलग से दिया गया है स्टैंड, और इसके अलावा और इसके साथ आता है कि एक धागा रखने वाला। सो दोस्तों इसमें आप बहुत सारे धागा और बॉबिन वाइंडर वगैरह रख सकते हो। सो दोस्तों इसका जो केस है इसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो, डब्बी रख सकते हो, ओपनर रख सकते हो और इसमें रख सकते हो, इसके लिए दिया जाता है। सो दोस्तों जैक मशीन का जो पार्टी है वो कितने इंच का है और इसका क्या क्या चीज़ आता है। सो दोस्तों सबसे पहले आप इसे देख सकते हैं, इसका एक फुट का पट्टी दिया गया है, मेजरमेंट एक फुट का दिया गया है इसके साथ में। और ये जो पार्टियाँ है कितने इंच का है, तो मेजर टेप से मैं आपको माप के बताऊँगा इसका जो पार्टियाँ है कितने इंच का है। तो हम इसको यहाँ पे से लेते हैं और उसके बाद मैं इसको जो है मेजरमेंट करके आपको बताता हूँ। ये जो है 47.5 इसका टोटल लेंथ है, और इसका जो लंबाई इतनी है और चौड़ाई का उसको मैं आपको बता देता हूँ, ये 21.5 है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये 21.5 है चौड़ाई, 21.5 और इसकी लंबाई 47.5 है। तो पूरी तरह से हमने रेडी कर लिया और आप इसे देख सकते हैं हमारा जो मशीन है इसको हम अच्छे से चालू कर लेते हैं और इसकी जो लाइटिंग है वो भी हम इसको ऑन कर लेते हैं। सो दोस्तों लाइटिंग ऑन कर लिया है मैंने और आप इसे देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है, और इसका धागा भी हमने सेट कर लिया है, और इसका जो ऑयल टैंक है वो भी हमने भर लिया है। सो दोस्तों इसको हम उल्टा करके आपको बताते हैं, इसका जो ऑयल टैंक है वो मैंने पूरा भर दिया, आप इसे देख सकते हो ये फुल ऑयल टैंक मैंने कर दिया है और ये एकदम परफेक्टली रेडी हो चुकी है। सो दोस्तों इसका जो सारा फंक्शन है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें धागा कैसे भरता है। सो दोस्तों इसका धागा भरने वाला ये है और इसे धागा इस तरह से भरा जाता है, और ये जो फिरकी है इसमें धागा मैं आपको भर के बताऊंगा। सो दोस्तों इसको अभी हम रखते हैं और सबसे पहले मैं इसको धागे को टेंशन में लेके फिर आपको राउंड करके फिर यहाँ पे से आपको लेना है, ये जो टेंशन का जो दोनों प्लेट है इन दोनों प्लेट के बीच में लेना है उसको, और उसके बाद यहाँ पे से आपको निकालना पड़ेगा धागा, और उसके बाद हम इसमें जो फिरकी हमारी जो फिरकी है इस फिरकी में हम इसको दो तीन बार राउंड करेंगे इस तरह से, और इसके बाद हम यहाँ पे इसमें लगा देंगे इस तरह से, हम बॉबिन केस को इस तरह से लगा देते हैं और उसके बाद हम इसका जो बॉबिन केस है इसको भरने के लिए रखते हैं। सो दोस्तों इसका जो बॉबिन केस है उसको कुछ इस तरह से भरना है हमको, पहले हमको इसको लॉक कर देना है और उसके बाद घिस ना जाए इसके लिए इसका जो फावड़ा है वो ऊपर कर देते हैं, इसका जो चाप है इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और उसके बाद हम इसको इसके जो मशीन की स्पीड है वो भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। सो दोस्तों इसकी जो 40 की स्पीड है वो मैंने कर लिया है, और अब मैं इसको एक्सेलेटर दबाऊंगा तो ये मशीन का जो बॉबिन वाइंडर है ये भरना चालू करेगा। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। सो दोस्तों इसका जो बॉबिन वाइंडर है ये जो धागा है एकदम ऊपर भी नहीं भरता नीचे भी नहीं भरता, ऊपर नीचे होता रहता है ताकि एकदम परफेक्ट तरीके से धागा भरता है। आप लेके जा और लेके जा। सो दोस्तों ये जो बॉबिन केस है ऑटोमेटिक है, तो ये भरने के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। सो दोस्तों ये बॉबिन केस का इतना ही है और ये भरने के बाद अपने आप बंद हो जाता है, पर हम इसको फिर से एक बार वापस से ये करेंगे और फिर भर के देखते हैं तो भरता है कि नहीं। सो दोस्तों अब ये भर गया है, इससे ज़्यादा ये भरने वाला नहीं है, पर फिर भी हम एक बार और ट्राई करेंगे, नहीं भरेगा। सो दोस्तों ये फुल हो चुका है, तो इसको हम बॉबिन वाइंडर को इसमें से निकाल लेते हैं और इसका जो मशीन की जो डब्बी है जो शटर है इसमें हम सेट करेंगे। सो दोस्तों ये कैसे सेट होगा, तो मशीन को हम पहले उठा लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको सेट करके बताता हूँ। सो दोस्तों ये हमारी जो मशीन है इसका जो शटर है, इस शटर के अंदर एक डब्बी लगी रहती है, वो डब्बी आपको दोस्तों मशीन के शटर में जो डब्बी रहती है इसको आपको इस तरह से निकालनी है, और हमारी जो दूसरी डब्बी थी इसको हम इसमें भर देते हैं, और इसके बाद इसका जो धागा है वो आपको 3-4 इंच इस तरह से निकालना पड़ेगा। आपको इस तरह से निकालने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से लगाना भी है वापस, और ये लगाते समय आवाज़ आनी चाहिए कट से, अगर आवाज़ आता है तो ये परफेक्टली बैठ गया, नहीं तो आपको वापस से खोल के बिठाना पड़ेगा इस तरह से। सो दोस्तों ये आवाज़ जो होता है वो आनी चाहिए। सो दोस्तों मैं आपको वापस से एक बार और डाल के बताता हूँ।
सो दोस्तों ये जो आवाज़ है कुछ इस तरह से आती है और ये आनी चाहिए, तो इस तरह से ये सेट हो जाता है। सो दोस्तों हमने फिरकी में धागा तो भर लिया है और अब मैं इसको आपको चला के भी बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें स्टिचिंग कितने तरह की होती है और स्टिचिंग कितने नंबर तक की होती है। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी जो स्पीड है वो बताता हूँ। सो दोस्तों इसकी जो स्पीड है कितने नंबर तक की है और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो स्पीड है 40 नंबर तक की स्पीड है, पर इसकी स्पीड को हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 10 की स्पीड और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये 40 है तो इसको हम 50 भी कर सकते हैं। सो दोस्तों पहले मैं आपको इस पर जो है एक नंबर की स्पीड करके मैं आपको बताता हूँ, ये एक नंबर की स्पीड है। सो दोस्तों हमारी जो मशीन है वो चालू है और ये एक नंबर की स्पीड है और एक नंबर की स्पीड पे ऐसा एकदम धीरे धीरे चलता है। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको चला के बताता हूँ, एकदम धीरे धीरे चलता है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं एकदम धीरे धीरे, और इसके साथ आता है कि एक धागा रखने वाला। सो दोस्तों इसमें आप बहुत सारे धागा और बॉबिन वाइंडर वगैरह रख सकते हो। सो दोस्तों इसका जो केस है इसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो, डब्बी रख सकते हो, ओपनर रख सकते हो और चौक वगैरह धागे वगैरह इसमें रख सकते हो, इसके लिए दिया जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें स्टिचिंग कितने तरह की होती है और स्टिचिंग कितने नंबर तक की होती है। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी जो स्पीड है वो बताता हूं। सो दोस्तों इसकी जो स्पीड है कितने नंबर तक की है और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो स्पीड है 40 नंबर तक की स्पीड है, पर इसकी स्पीड को हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 10 की स्पीड और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये 40 है तो इसको हम 50 भी कर सकते हैं। सो दोस्तों पहले मैं आपको इस पर जो है एक नंबर की स्पीड करके मैं आपको बताता हूँ, सॉरी ये दो नंबर की स्पीड है, इसमें एक नंबर की स्पीड ये एक नंबर की स्पीड है। सो दोस्तों हमारी जो मशीन है वो चालू है और ये एक नंबर की स्पीड है और एक नंबर की स्पीड पे ऐसा एकदम धीरे धीरे चलता है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको चला के बताता हूँ, एकदम धीरे धीरे चलता है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं एकदम धीरे धीरे। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी जो स्पीड है कितने नंबर तक की रहती है। सो दोस्तों सबसे पहले आप इसे देख सकते हैं इसकी जो स्पीड है वो कितने नंबर की है। पहले हम इसको एक नंबर पे रखते हैं और एक नंबर पे रख के इसकी स्पीड बताता हूं मैं आपको। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं इसकी जो स्पीड है वो इतनी है, ये एक नंबर पर है और इसकी एक नंबर पर स्पीड यहाँ पर भी चल सकती है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये जो बटन दबाओगे इससे भी आपको एक नंबर की स्पीड मिल सकती है। अगर आपको कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना हो तो इसके लिए बहुत बढ़िया फीचर्स है, आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा हम इसकी जो स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं इसकी जो स्पीड है बटन प्रेस करने से इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती है। सो दोस्तों मैं इसका स्पीड है जो 10 पे कर देता हूँ और 10 पे इसकी स्पीड कितनी आ रही है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये 10 पे इसकी स्पीड इतनी है। सो दोस्तों इसकी स्पीड 10 पे इतनी आती है और अब हम इसको 10 से बढ़ा के 20 कर लेते हैं और इसको प्रेस करेंगे करते जाएंगे तो ये 20 की स्पीड पे आ गई। और 20 की स्पीड पे आने के बाद हम इसको जो है चलाते हैं और इसकी स्पीड है वो चेक करते हैं कितनी है इसकी स्पीड में। सो दोस्तों ये रही इसकी 20 की स्पीड और हम इसकी स्पीड को बढ़ा के 30 पे लेके आते हैं। इसकी स्पीड हमने 30 की सेट कर दिया और आप इसे देख सकते हैं और इसको हम उठा के थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं और उसके बाद इसकी स्पीड देखते हैं आप। सो दोस्तों ये इसकी 30 की स्पीड है और इसकी हाईएस्ट स्पीड है 40 की, तो इसको हम 40 पे लेके जाते हैं और ये इसकी हाईएस्ट स्पीड है 40। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं इसकी 40 की स्पीड करने के लिए हम इसको कपड़े को सीधा रख देते हैं और इसको एक ही बार दबाते हैं तो ये कहाँ जाता है। सो दोस्तों ये इसकी 40 की स्पीड है और अब हम इसकी 10 की स्पीड और बढ़ा देते हैं। सो दोस्तों इसका जो दोनों बटन है उसको दबा के रखेंगे तो इसकी स्पीड सेट होगी। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये दोनों बटन दबा के रखना है और ये फैक्ट्री मोड पे आ गया और उसके बाद ये एल का स्पीड है तो स्पीड को है हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये सीधा 50 पे हो गया और इसको हमने सेट कर दिया है और अब इसकी जो स्पीड है 50 पे आ चुकी है तो हम इसका जो कपड़ा है वो पहले अच्छे से रख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इसको चला के बताता हूँ। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये 50 की स्पीड सबसे हाईएस्ट स्पीड है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये जो जैक की हमारी जो मशीन है इसकी सबसे हाईएस्ट स्पीड 50 की है और इसकी जो जैक की मशीन है ये 50 की स्पीड सबसे हाईएस्ट मोड पे है।
सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये जो स्पीड है हाईएस्ट मोड पे है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो निडल है, निडल पोजीशन को आपको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये जो प्लस माइनस का आइकन है और इसको रखने से क्या होता है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, आप कभी भी मशीन चलाओगे तो ये नीचे रुकेगा। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, मैं ये जो निडल है ये नीचे ही रुकेगा, क्योंकि ये जो माइनस का चिन्ह है वो नीचे है, तो ये निडल नीचे ही रुकेगा। और अब हम इसको जो है ऊपर कर लेते हैं, ये जो माइनस का चिन्ह है इसको ऊपर रख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर हो गया है और अब मैं इसको चला के बताता हूँ। तो ये सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये जो निडल है वो ही रुक रही है, नीचे नहीं रुक रही है। ये इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको वापस से नीचे कर लेते हैं, प्लस वाले बटन को दबा के रखेंगे तो निडल को ऊपर और नीचे दो ऑप्शन आते हैं, उसको कर सकते हैं। प्लस दबा के रखोगे तो ऊपर भी हो जाएगा, प्लस दबा के रखोगे तो नीचे भी हो जाएगा। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये नीचे है अभी, और वापस से हम इसको ऊपर भी कर सकते हैं। सो दोस्तों ये ऊपर हो गया और आप इसे देख सकते हैं, ये चलाने के बाद ऊपर रुकने वाला है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये ऊपर रुकता है, ये अभी ऊपर रुकता है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप नया मशीन ख़रीदते हो तो ये आपको जो सेफ्टी पिन है इसको आपको निकालना नहीं है, क्योंकि इसमें आपका हाथ नहीं जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि आप स्टिचिंग करते टाइम भी आपका हाथ जा सकता है, इसके लिए सेफ्टी पिन होता है। और आपको मैं आपको बता दूं इसका जो फीचर है ये क्या काम करता है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसके ये जो फीचर है ये धागा कटिंग करने के काम में आता है। सो दोस्तों यहाँ पे जो धागा है इसको इस तरह से ऐसे रखोगे ऊपर से और ऐसे आपको खींचोगे तो धागा कट जाएगा। सो दोस्तों ये कटर है, इसका जो ये जो कटर का काम करता है, आप कोई भी धागे को आप इस तरह से खींचोगे तो यहाँ से धागा कट जाएगा। तो हम इस दोनों को निकाल देंगे अभी हाल फिलहाल। सो दोस्तों हमारे पास जो पेचिया है इसको हम यूज़ करते हैं, और इसका जो सेफ्टी पिन है इसको हम निकाल लेते हैं। सो दोस्तों इसका जो सेफ्टी पिन है इसको हमने निकाल लिया, क्योंकि मुझे अच्छे से आता है और मैं इसका बहुत एक्सपर्ट हूँ, इसके लिए मैं सेफ्टी पिन को निकाल देता हूँ। और ये जो कटर है मैं इसको भी निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे इस कटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दोस्तों ये जो कटर है इसको हम निकाल देते हैं। सो दोस्तों जैक मशीन में धागा को किस तरह से लगाया जाता है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये जो धागा है ये यहाँ पर आपको लगाना है और यहाँ से निकाल लेना है इसको। और आपको ये जो धागा है यहाँ से निकालने के बाद आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा और इसमें लगाना पड़ेगा। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से आपको लगाना है, और उसके बाद यहाँ पे जो ये है इसमें लगाना पड़ेगा आपको, और उसके बाद इसको लगाने के बाद, इसमें लगाने के बाद आपको टेंशन में डालना पड़ेगा। ये जो धागा है टेंशन की दोनों प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच में डाल के इस स्प्रिंग में आपको इस तरह से लेना पड़ेगा। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, और उसके बाद ये जो लूफ है इसमें से भी आपको लेना है, और उसके बाद ये जो गाइड है, ये इसको गाइड बोलते हैं, इसको इस तरह से लेने के बाद आपको टेकअप लीवर में जो धागा है वो डालना पड़ेगा, इसको टेकअप लीवर बोलते हैं। तो इसमें से आपको ये धागा निकाल के उसके बाद बॉबिन गाइड, जो कि इसको बोलते हैं बॉबिन गाइड, ये दोनों हैं, ये बॉबिन गाइड है, और इसको लगाने के बाद आपको यहाँ पे भी धागा लगाना पड़ेगा। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्प्रिंग का, इसमें स्प्रिंग में आपको धागा फंसाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो धागा है वो धागा को इस तरह से आपको डालना पड़ेगा सुई में। सो दोस्तों आपको जो धागा है वो सुई में कुछ इस तरह से डालना है, और उसके बाद हम मशीन को चलाएंगे और मैं आपको बताता हूँ ये स्टिचिंग कैसी आती है और इसकी स्टिचिंग हम सेट करेंगे। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो स्टिचिंग है अब हम वो सेट करेंगे। सो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी जो स्टिचिंग है वो चेक कर लेता हूँ, इसकी जो स्टिचिंग है कितने अच्छी आ रही है, और इसकी स्टिचिंग सेट कर लेते हैं। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो स्टिचिंग है, तो इसकी जो नीचे की जो डब्बी है वो निकालता हूँ। सो दोस्तों मैं डब्बी जो है आपको यहाँ से बताता हूँ, इस तरह से ये निकलता है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये जो डब्बी है ये इस तरह से निकलती है, और मैं आपको निकाल के इसका जो धागा है वो इसमें से इतना निकालने के बाद आपको इसका जो डब्बी है वो इतना रखने का, और उसके बाद आपको इसमें सेट करना पड़ेगा ये जो धागा है वो। सो दोस्तों ये जो छोटा पेचिया है वो इसके काम आता है, क्योंकि इसका जो धागा है वो आपको सेट करना पड़ता है। सो दोस्तों यहाँ से आपको टाइट लूज़ करने के बाद ये जो धागा है वो सेट हो जाएगा, आपको कितना लूज़ करना है, कितना टाइट करना है, स्टिचिंग कैसी आनी चाहिए। सो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम टाइट कर लेते हैं। सो दोस्तों ये जो धागा है वो टाइट हो चुका है, और 3 से 4 इंच धागा को आपको इस तरह से बाहर निकालना है, और उसके बाद आपको जो धागा है, जो बॉबिन वाइंडर है, उसको शटर में फिट कर देना पड़ेगा आपको इस तरह से।
सो दोस्तों ये फिट हो चुका है और इसकी जो प्लेट है इसको भी हम इस तरह से लगा लेते हैं। सो दोस्तों धागा तो हमने लगा लिया है, लेकिन अब धागे को जो है स्टिचिंग का है वो हम स्टिचिंग कर लेते हैं। सो दोस्तों मैं आपको इसको स्टिच करके बताता हूँ। सो दोस्तों इसकी जो स्टिचिंग है, इसकी स्टिचिंग हम थोड़ा सा नंबर बढ़ा लेते हैं, इसको 10 नंबर पे कर लेते हैं हम, और उसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताता हूँ। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो स्टिचिंग है वो बहुत ज़्यादा लूज़ आ रही है, ऊपर से जो है टाइट आ रही है, नीचे से बहुत ज़्यादा लूज़ है, तो इसको हम सेट करेंगे। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसको इस तरह से हम रखते हैं पहले, और इसका जो ये टेंशन है इसको हम थोड़ा सा टाइट करेंगे ताकि स्टिचिंग थोड़ी सी अच्छी है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसको हमने टाइट कर लिया और उसके बाद हम इसको स्टिच करते हैं। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो स्टिचिंग है एकदम परफेक्ट आई है, और ये जो पहले आ रहा था लूफ और अभी एकदम परफेक्ट आई है, तो हमने इसकी जो स्टिचिंग है वो सेट कर लिया है। और इसकी जो स्टिचिंग है वो कितने नंबर पे है वो भी मैं आपको बता दूं। जैक मशीन का जो डायल है ये क्या काम आता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों सबसे पहले मैंने इसके अंदर ब्लैक रेड कलर का धागा अटैच कर लिया। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का धागा ये मैंने लगा लिया ताकि जो जीन्स पे आपको रेड कलर का धागा अच्छे से दिखे, इसके लिए मैंने रेड कलर का धागा लगा लिया है। और उसके बाद मैं इसको इसकी जो स्टिचिंग है इसको 5 नंबर पे हम इसको सेट कर देते हैं। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो स्पीड है ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऐसे नीचे कर लेना है, उसके बाद आपको जो इसकी जो डायल है वो एकदम फ्री हो जाएगा, तो अच्छे से घूमेगा। सो दोस्तों आपको इसका ध्यान रखना है, अगर आपने इसको छोड़ दिया है तो ये जो डायल है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड घूमेगा और जल्दी नहीं घूमने वाला है, तो इसके लिए आपको इसको थोड़ा सा नीचे करना है और उसके बाद इसका जो डायल है वो थोड़ा सा अच्छे से एकदम फ्री हो जाएगा, तो आसानी से आप घुमा सकते हैं। सो दोस्तों मैं इसको घुमा के 5 नंबर पर सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसकी जो स्टिचिंग है 5 नंबर पर इसकी स्टिचिंग कैसी आती है सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। स्टिचिंग है वो 4 नंबर पे सेट कर लेते हैं, तो इसका जो डायल है थोड़ा सा घुमा लेते हैं 4 नंबर पे। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये 4 नंबर पे सेट हो गया है और 4 नंबर पे हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये 4 नंबर की जो स्टिचिंग है अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे 3 नंबर पे, तो इसका डायल को थोड़ा सा वापस से हम घुमा लेते हैं, 3 नंबर पे हमने सेट कर लिया है और उसके बाद हम इसको स्टिचिंग कर लेते हैं। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये 3 नंबर की स्टिचिंग है ये जो कि हो चुकी है, अब हम इसको जो स्टिचिंग है वो 2 नंबर पे करेंगे, तो इसके डायल को वापस से घुमा लेते हैं और ये 2 नंबर पे स्टिचिंग सेट हो चुकी है और 2 नंबर पे हम इसको स्टिच कर लेते हैं। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये जो 2 नंबर की जो स्टिचिंग है वो ऐसी आती है, एकदम छोटी सी आती है, और इसकी स्टिचिंग कितनी अच्छी आ रही है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो स्टिचिंग एकदम परफेक्टली आ रही है और ये 2 नंबर की स्टिच है। अब हम इसकी जो स्टिचिंग है वो कर लेते हैं 1 नंबर पे, 1 नंबर पे इसकी स्टिचिंग कैसी आती है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, 1 नंबर पे इसकी स्टिचिंग मैं आपको करके बताता हूँ, जो कि 1 नंबर पे बहुत ज़्यादा स्लो चलेगा। ये जो स्टिचिंग है 1 नंबर पे है और ये बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है और इसकी जो स्टिचिंग है एकदम छोटा छोटा स्टिच आता है। सो दोस्तों इसको जो स्टिचिंग है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये 1 नंबर पे स्टिचिंग ऐसी आती है, 1 नंबर की जो स्टिचिंग है वो ऐसी आती है और हमने इसका जो स्टिचिंग है वो पूरा बता दिया। और 0 नंबर की जो स्टिचिंग है, अगर आप एकदम 0 कर दिए तो इसकी स्टिचिंग आएगी ही नहीं, जहाँ पे है वहीं पे रुक जाएगी। सो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये जहाँ पे है ये वहीं पे रुक गया, ये वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसकी स्पीड है वापस से हम इसको सेट कर लेते हैं। सो दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो 3.5 नंबर पे हम इसको सेट कर लेते हैं, इसकी 3.5 नंबर पे स्टिचिंग एकदम परफेक्टली रहती है। सो दोस्तों नॉर्मली किसी भी कपड़े में मैं इस तरह के स्टिच मारता हूँ, 3.5 नंबर की जो स्टिचिंग होती है हर कपड़े में मैं नॉर्मली चलाता हूँ।
सो दोस्तों जैक मशीन का जो रिवर्स गियर है ये क्या काम आता है। सो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी स्टिचिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि धागे को पक्का करने के लिए चाहिए होता है रिवर्स गियर। तो रिवर्स गियर को किस तरह से यूज़ करते हैं, सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। किसी भी कपड़े को आप इस तरह से ऐसे रख देते हो पहले, और उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा मशीन पीछे का, तो उसके बाद आपको चलाने से पहले यहाँ पे इसको पक्का करना पड़ता है इस तरह से, और उसके बाद आप चला लेते हो पूरा, और यहाँ पे निकालने से पहले इसको पक्का करना पड़ता है, लॉक करना पड़ता है, और उसके बाद इसको पूरा स्टिच करने के बाद यहाँ पे वापस से लॉक करना पड़ेगा आपको। सो दोस्तों यहाँ पे भी हम इसको लॉक कर लेते हैं। सो दोस्तों रिवर्स गियर का ये क्या, रिवर्स गियर का जो काम आता है वो धागे को पक्का करने के लिए और स्टिचिंग को पक्का करने के लिए आता है। तो ये रिवर्स गियर बहुत काम की चीज़ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, ये जो फुट पेड है इसको आपको कुछ इस तरह से उठाना होता है। इसके मशीन के पीछे एक ऑप्शन दिया गया है ये फुट पेड चाप को उठाने का। सो दोस्तों आप चाप को इस तरह से उठा सकते हो, लेकिन आप कुर्सी पे बैठे हैं यहाँ पे जो घुटने के पास ये जो चाप को उठाने का जो सिस्टम है ये भी दिया जाता है। इससे भी आप बैठे बैठे चाप को यहाँ से अच्छे से उठा के फिर इसको इस तरह से सेट करके फिर वापस रख सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जैक मशीन की जो लाइटिंग है वो कितने तरह की है, सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। इसकी जो लाइटिंग है वो दो तरह की आती है, हाई और मीडियम। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये हाई है और ये मीडियम है और ये बंद हो जाती है। ये दो तरह की लाइट है, हाई मीडियम और हाई। सबसे हाई पे है ये, और भी एक और बटन दबाता हूँ तो ये मीडियम पे आ जाता है और ये फिर बंद हो जाता है। सो दोस्तों इसका जो लाइटिंग है वो कितना है, सारी लाइटें बंद करके मैं आपको बताता हूँ इसका जो लाइटिंग है वो कितनी ज़्यादा है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो लाइटिंग है वो इतनी है। अगर आप अंधेरे में भी कुछ चीज़ें को स्टिच कर रहे हो तो आप आसानी से इसको स्टिच कर सकते हो। स्टिचिंग करने में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इसकी जो लाइटिंग है वो एकदम परफेक्टली है, स्टिचिंग तो एकदम अच्छे से दिख ही रही है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो स्टिचिंग है वो आपको अंधेरे में एकदम अच्छे से दिख रहा होगा। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, और अब हम जो लाइटें वो चालू कर लेते हैं। सो दोस्तों मैं आपको अभी ये बता देता हूँ कि ये जो निडल पोजीशन है इसको आप यहाँ पे किस तरह से चेंज कर सकते हो। सो दोस्तों इसको जो है इस तरह से चेंज कर सकते हो, दो बटन दबाने के बाद इसका जो सिस्टम है इसको इस तरह से चेंज करना पड़ता है। सो दोस्तों ये आ गया फैक्ट्री मोड, और ये दोस्तों ये B1, B2, B1 और 0, 0 पे रहेगा तो ये बंद हो जाता है, और इस तरह से मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब ये नहीं चलेगा। सो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो है ये अभी काम नहीं कर रहा है, और इसका जो सिस्टम है वो हमने बंद कर दिया है। और इसका जो सिस्टम है हम एक पे लेके आते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो इसका जो सिस्टम है दो पे रख के मैंने इसको सेट कर दिया है, और अब मैं आपको बताता हूँ ये जो स्टिचिंग है कंटिन्यू चलता रहेगा। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसका जो स्टिचिंग है ये कुछ इस तरह से, अगर आपको कोई डिज़ाइन बनानी है तो इस तरह से आप मोड़ के आराम से बना सकते हो, इस तरह से राउंड करके घुमा के कोई भी डिज़ाइन को आसानी से आप बना सकते हो। लेकिन इसका जो वापस से हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, और हम इसको लेके जाते हैं दो नंबर पर। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये फैक्ट्री मोड, ये स्पीड का, और ये रहा इसका B2, और अभी करेंगे B1 करके सेट कर देते हैं इसको। B1 पे ये अच्छे से सेट हो गया है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये एक बार बटन दबाने से ऊपर आएगा और दूसरी बार बटन दबाओगे तो ये निडल नीचे चला जाएगा, ये निडल की पोजीशन चेंज हो जाती है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये प्रेस करेंगे एक बार तो नीचे और एक बार ऊपर। इसमें आपको कोई भी धागा निकाल के लगा के और आपको स्टिचिंग करने में, धागा शटर से निकालने में बहुत ही आसानी होगी, तो आपको इस तरह से बटन दबा के अंदर डाल के फिर धागा निकाल सकते हो आसानी से। और इसको दबा के रखते हो तो ये एक नंबर पर स्टिचिंग देती है, इसकी जो स्टिचिंग है एक नंबर की रहती है, तो इसको हम वापस से चेंज करते हैं और 0 नंबर पर लेके आके आपको बंद करके भी बताते हैं। सो दोस्तों इसको बटन को दबा के रखेंगे, और उसके बाद इसका जो फैक्ट्री मोड है वो आ गया, और उसके बाद इसको प्लस करते हुए जाएंगे तो ये B2 आ गया, तो ये B0 करके इसको सेट कर देते हैं, तो ये सेट हो गया है और अब ये काम नहीं करेगा, हमने इसको बंद कर दिया है। और इसको अब हम B2 पे लेके जाते हैं, और सो दोस्तों इसके दोनों बटन को हम इसको दबा के रखेंगे और इसका B2 लेके आते हैं। सो दोस्तों आप इसे देखते हैं, ये फैक्ट्री मोड, ये स्पीड का है, और ये B2 आ गया, और इसको B2 कर दिया हमने और इसको सेट कर दिया, ये B2 में सेट हो चुका है परफेक्टली। और अब हमें इसका जो स्टिचिंग है वो आप इसको थोड़ा सा एक बार दबाओगे तो ये नीचे हो गया थोड़ा सा। ये B2 पे जाने के बाद अगर आपको भी डिज़ाइन को करना है तो डिज़ाइन को अच्छे से कर सकते हो, ये इसके लिए आता है।
सो दोस्तों जैक मशीन का जो एक्सीलेटर होता है उसको आपको जितना प्रेस करोगे मशीन उतनी स्पीड चलेगी। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल ही बताता हूँ। पहले मैं इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सेट कर लेता हूँ, मैं इसकी स्पीड है वो 30 नंबर पे इसको सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको स्पीड सेट करके बताता हूँ। सो दोस्तों ये स्पीड को 30 नंबर पे हमने सेट कर दिया है। अब मैं आपको एक्सीलेटर दबा के स्टिचिंग कितना स्लो होता है कितना फास्ट होता है एक्सीलेटर की मदद से आप किससे कंट्रोल कर सकते हो। सो दोस्तों आपको थोड़ा सा दबाना है तो मशीन एकदम धीरे चलेगा, और आपने एकदम से दबा दिया तो मशीन की स्पीड जो हो एकदम बढ़ जाएगी। सो दोस्तों ये एक्सीलेटर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके बाद मैनुअल बटन तो है ही आपके पास, डिजिटल मशीन है तो ये डिजिटल मशीन में से आराम से स्टिचिंग को कंट्रोल कर सकते हो स्पीड को। सो दोस्तों दोनों ऑप्शन रहता है, जहाँ पे आप डिजिटली इस पे मोटर को कंट्रोल कर सकते हो और दूसरा पैर से भी कंट्रोल किया जाता है। सो दोस्तों जैक मशीन में सुई कितने नंबर की लगती है और सुई कौन सी लगानी चाहिए। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको ऑर्गेन की सुई यूज़ करनी चाहिए, और इसमें कितने नंबर तक की सुई लगती है। सो दोस्तों इसमें 18 नंबर तक की सुई लगती है, और अभी इसमें लगा है 14 नंबर, और मशीन के साथ जो सुई आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो दोस्तों मशीन के साथ ये 14 नंबर की सुई आती है, और इसके अलावा 18 नंबर तक की सुई इसमें लगती है। सो दोस्तों इसका जो निडल है उसको चेंज करके मैं आपको बताता हूँ कि ये निडल किस तरह से लगती है और कैसे लगाते हैं। सो दोस्तों इसका जो निडल है उसको चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बीच वाला जो पेचिया है इसकी मदद से हम इसका जो निडल है उसको खोल लेते हैं, और ये वाला जो पेचिया है इसको घुमाना पड़ता है, तो इससे ये निडल ये लूज़ हो जाता है तो खुल जाएगा ये। सो दोस्तों इस पेचिया को घुमाने के बाद ये निडल लूज़ हो जाएगा तो ये निकल जाएगा। सो दोस्तों ये जो निडल है वो निकल चुकी है, और इसमें लगी है 14 नंबर की निडल। ये 14 नंबर की निडल है, आप इसे देख सकते हैं, और अब मैं इसको 18 नंबर की निडल डालने वाला हूँ। सो दोस्तों इसको हम रखते हैं साइड में, और 18 नंबर की जो निडल है इसका बॉक्स को ओपन करते हैं और 18 नंबर की निडल को निकाल लेते हैं। सो दोस्तों ये है 18 नंबर की निडल, और इस निडल को हम इस तरह से सेट करेंगे। ये जो थोड़ा कर्व वाला भाग है ये इस साइड पर होना चाहिए, और प्लेन वाला इस साइड पर होना चाहिए। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पाइपिंग जैसा है, और ये इस साइड होना चाहिए बाहर की साइड पर, ताकि हम धागा अच्छे से डाल सकें, और अगर आपने सुई उल्टा लगा दिया तो धागा कट सकता है, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सो दोस्तों इस तरह से रखना है आपको, और पेचिया से आपको अच्छे से स्क्रू को टाइट कर देना है, ताकि ये ढीला ना हो जाए निकल ना जाए, इसके लिए आपको अच्छे से टाइट कर देना है। सो दोस्तों अभी आप इसे देख सकते हैं, ये निडल हमने सेट कर दिया है, और अब इसको स्टिच करके मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, और मैं अभी स्टिच कर लेता हूँ। सो दोस्तों निडल को हमने चेंज कर दिया है, हमने 18 नंबर की निडल लगा लिया है, और अब हम इसको स्टिचिंग करके मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये जो निडल है 18 नंबर की मैंने सेट कर लिया है, और स्टिचिंग एकदम परफेक्ट आ रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्टिचिंग कौन से फैब्रिक पे स्टिच होता है। सो दोस्तों जैक मशीन में आप कितने तरह के फैब्रिक स्टिच कर सकते हो, और आपको कितने नंबर पे कितने नंबर की सुई कितने नंबर पे कपड़े को चलानी होती है। आपको अगर कॉटन का कोई भी फैब्रिक चलाना हो तो उसके लिए आपको 11 नंबर की सुई चाहिए होगी। सो दोस्तों मेरे पास ये ऑर्गेन की 11 नंबर की सुई है, आप कॉटन की कोई भी फैब्रिक हो 11 नंबर की सुई चला सकते हैं, लेकिन आपको कॉटन का थोड़ा सा भारी कपड़ा होगा। सो दोस्तों ये जो 14 नंबर का निडल है ये कॉटन थोड़ा सा मोटा फैब्रिक होता है उसके लिए चाहिए होता है। और उसके अलावा अगर आप जीन्स का पतला थोड़ा सा पतला है जीन्स में और उसको आप स्टिच कर रहे हो तो आप किसके लिए आपको चाहिए 16 नंबर के लिए एकदम सही रहेगा। और जीन्स को स्टिच करने के लिए आपको चाहिए एक बड़ी निडल, तो 18 नंबर की निडल है ये, इसको यूज़ किया जाता है जीन्स को स्टिच करने के लिए। अगर आपको ये मशीन खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसको चेक कर सकते हो। आज की डेट की इसकी क्या प्राइस है, आपको कितने में पड़ेगा, सूरत में आपका घर है तो कहाँ पर आपको डिलीवरी अच्छे से मिल सकती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, अगर आपको मशीन खरीदनी हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूरा डिटेल मैं आपको दे दूंगा इसको। और अभी ये मशीन कितने की है, सो दोस्तों ये मशीन है, जो मशीन है हमारी, अगर ये जो प्राइस है ये ऊपर नीचे होता रहता है। सो दोस्तों अगर आप जैक मशीन की अनबॉक्सिंग वीडियो, सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो,
लाइक कीजिए, आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करें। अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप इसको पता लगा सकते हो आज की डेट में इसकी क्या प्राइस है, आपको कितने में पड़ेगी, अगर आप जहां रहते हो वहां पे आपको डिलीवरी मिल सकती कि नहीं, उसकी सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो लाइक कीजिए, आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो कमेंट करें। आज की डेट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।